हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने लीगल एडवाइस लिया है, लीगल ओपिनियन लिया है, उसमें दो चीज निकल के आई है। एक तो कि हो सकता है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है अगर ये मना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और दूसरा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं मैं थोड़ा और कानूनी सलाह लूंगा और उसके बाद हम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि चलिए हम उन्हें टाइम देते हैं और जो भी होगा तो देखते हैं क्या कहते हैं। और दूसरी चीज क्यों उन्होंने हमें ये कही है कि जो ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट खुद बनाएगी, दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है और एक वो ट्रॉमा सेंटर खुद बना के देंगे और उस ट्रॉमा सेंटर को उपहार विक्टिम्स को डेडिकेट किया जाएगा और हम जो विक्टिम्स हैं उस ट्रॉमा सेंटर का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज, क्योंकि मैं काफी पिछले 6-7 साल से एक लॉ को परस्यू कर रही हूँ जो जिस तरह की त्रासदी से डील करेगा, जहां बहुत सारे लोग आदमी की लापरवाही की जगह से मर जाते हैं, क्योंकि आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें सजा कुछ नहीं दी है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कानून आए जहां पे लोगों को कम से कम 10 या 15 साल की सजा मिले। तो मैंने लॉ कमीशन की रिपोर्ट सीएम साहब को दी है और मैं इंतजार का, वो कह रहे हैं कि उसके जरूर आगे कार्रवाई करेंगे, अपने लॉ मिनिस्टर से बात करेंगे और असेंबली में बुला के कानून पास करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 साल दे दिए हैं तो इनको मैं 7 महीने तो आराम से दे सकती हूँ और उम्मीद है कि ये जरूर अपने उस पर खड़े उतरेंगे। आई हर्ड मिस्टर रामजेठ मलानी कॉलिंग मी एन इनसेन वुमन ऑन द टेलीविजन। आई वुड जस्ट वांट टू से यस मिस्टर जेठ मलानी, आई एम इनसेन एंड द पीपल, यू मस्ट नो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मी इनसेन इज आंसर देयर लॉयर्स बाय कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग मी, इंटिमिडेटिंग मी, टैम्परिंग विद द एविडेंस टू सिक्योर जस्टिस। एंड इफ यू थिंक that fighting for justice for children for 18 long years is insanity, then yes, I'm insane.